रोते बिलखते महिला को आपने देखा, ये सदर अस्पताल में भर्ती थी। यहाँ से इसे दलालों ने मधेपुरा नॉर्मल डिलीवरी सेंटर नामक एक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ इसके साथ अन्याय हुआ है। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने इसे ऑपरेशन की जरूरत बताई थी, लेकिन इसे दलालों ने कहा कि आप नॉर्मल डिलीवरी सेंटर अस्पताल चलिए, वहाँ आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी इसे ऑपरेशन करवाना पड़ा, और फिर ऑपरेशन के बाद बच्चे को जन्म तो दी, लेकिन बच्चे को देख नहीं पाई। कारण ये रहा कि अस्पताल संचालकों ने इनके बच्चे को गायब कर दिया। और जब होश में आई और पूछी मेरा बच्चा कहाँ है, तो अस्पताल संचालक ने कहा कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए उसे यहाँ से हटा दिया गया। बड़ा सवाल है कि अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो अस्पताल संचालकों ने परिजनों को क्यों नहीं दिखाया, या फिर होश में आने तक उनके माँ को क्यों नहीं दिखाया गया। लेकिन अब यह बड़ा सवाल बन गया है कि जो माँ बच्चे को जन्म दी, वो उसे न जिंदा देख पाई और न मरने के बाद। अब पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। गुड़िया कुमारी नामक एक महिला प्रसूति के लिए सदर अस्पताल में भर्ती होती है, जहां चिकित्सकों के द्वारा इसे ऑपरेशन की राह बताया जाता है। लेकिन गुड़िया कुमारी को इसी बीच कुछ दलाल अपने चंगुल में लेते हैं और उसे मधेपुरा नॉर्मल डिलीवरी सेंटर नामक एक अस्पताल में पहुँचा दिया जाता है, जो झझट सवेला चौक के आसपास है। वहाँ पर भी इसे पहले तो इलाज शुरू किया जाता है और बाद में ऑपरेशन का जिक्र किया जाता है, जिसके बाद कोई उपाय नहीं देख गुड़िया कुमारी और उसके परिजन ने ऑपरेशन के लिए हामी भर देती है और फिर ऑपरेशन होता है। लेकिन इसी बीच उनके बच्चे को अस्पताल संचालकों के द्वारा गायब कर दिया जाता है। पूछे जाने पर अस्पताल संचालक कहते हैं कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए उसे हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद परिजनों का हो हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद आनन-फानन में अस्पताल संचालक के द्वारा उससे सारा रसीद पुर्जा आदि छीन लिया जाता है और वहां से उसे भगा दिया जाता है। और अब गुड़िया कुमारी रोड पर आ जाती है, जिसके बाद उसे फिर से सदर अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और फिर वो न्याय की गुहार लिए कभी सिविल सर्जन तो कभी DM तो कभी थाना का चक्कर काटती है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाता है। जब यह बात मीडिया में आता है तो कुछ दलाल पत्रकार उस अस्पताल संचालक के साथ खड़े हो जाते हैं और उस महिला को फ्रॉड बताकर खबर को दबवाने की कोशिश करते हैं। पूछे जाने पर अस्पताल संचालक कहते हैं कि वो महिला हमारे यहाँ इलाज करवाई ही नहीं, जबकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ये मधेपुरा नॉर्मल डिलीवरी सेंटर के अंदर की तस्वीर है, बाहर मेन रोड है और जो भी कर्मी हैं ये वहीं के हैं। हालांकि ये बात तो अब जांच में सामने आ पाएगा कि ये कौन है और क्या हो रहा है, लेकिन महिला के कहे अनुसार उसका इलाज मधेपुरा नॉर्मल डिलीवरी सेंटर में ही हुआ, जहां उसके बच्चे को गायब कर दिया गया। तस्वीर को गौर से देखिए, ये तस्वीर मधेपुरा नॉर्मल डिलीवरी सेंटर अस्पताल परिसर का ही है। ये तस्वीर मरीज के परिजन ने छुपकर कैद किया था, क्योंकि उन्हें अंदेशा हो गया था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। ये सीधा मेन रोड आपको यहाँ से दिख रहा है, जहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद वो मेन रोड है जहाँ से गाड़ी आओ जा रही है। मधेपुरा NH 106 झझट सवेला स्थित इस अस्पताल के कांड का चर्चा अब मीडिया में आ चुका है। लोग इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसे दबने नहीं देंगे। गुड़िया कुमारी के साथ मधेपुरा नॉर्मल डिलीवरी सेंटर नामक अस्पताल संचालक और कर्मी ने अन्याय किया है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसके दर्द को न कोई मर्द समझेगा और ना ही कोई डॉक्टर, ना ही दलाल पत्रकार और ना ही अस्पताल कर्मी। उनको न्याय कौन देगा? वो आज न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, वो लूट चुकी है। अस्पताल संचालकों ने उसका शोषण किया है, उससे पैसे लिए हैं और इलाज के नाम पर उसका ऑपरेशन कर दिया गया, उसने बच्चे को जन्म दिया और उसके बच्चे को गायब कर दिया गया। तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह मरीजों का आना जाना लगा हुआ है, और ये मधेपुरा नॉर्मल डिलीवरी सेंटर का ही तस्वीर है। बताया जाता है कि मधेपुरा नॉर्मल डिलीवरी सेंटर नामक अस्पताल पर कई लोगों का बड़ा हाथ है। सदर अस्पताल मधेपुरा के कई वरीय चिकित्सक का यहाँ आना जाना होता है, उसकी भी हिस्सेदारी इस अस्पताल में है। वहीं कुछ दलाल पत्रकारों का भी इस अस्पताल के ऊपर अपना हाथ, जो अपनी धमक से
यहाँ पर अन्याय होने देते हैं और अपना कमीशन पाते हैं। खबर जब चलने की बात आती है तो वो खड़े हो जाते हैं। पता लाए थे वहाँ पे उनके लिखाने के लिए 28 या 29 तारीख था, ठीक है। यहाँ दलाल के फेवर में उनको मतलब फंसा के ले गई। वहाँ पे ले जाने के बाद बोली थी कि नॉर्मल डिलीवरी हम करवा देंगे, जिसमें कि बोला था 8,000 रुपया लेंगे। तो हम बोले थे ठीक है, ठीक ठाक हो जाएगा तो हम ले देंगे। उसके बाद वहाँ से वो अपना निजी क्लिनिक पर फुसला के मतलब कि चैम्बर में ले जाने के बाद वो मतलब कि थोड़ा सा दवाई ववाई चलाई थी, जिसका कि 5,000 रुपया बता रही थी। हम बोले कि हमको जाने दीजिए, पैसा वैसा का जो होगा मोमेंट मेरे से बाद में करते रहिएगा। वो बोला कि नहीं, हम जाने के लिए देवे नहीं करेंगे, जो करेंगे यहीं पर करेंगे। तो हम डॉक्टर से बात किए कि देखिए यदि हम नॉर्मल करते हैं तो हमको भी दिक्कत, पैसा भी खर्चा होगा, बच्चा भी मेरा ख़त्म होगा। तो डॉक्टर बोला कि बच्चा आपका बच जाएगा। तो बोला कि हम इसके लिए तो बोला पेट खोलना पड़ेगा। हम बोले कोई बात नहीं, पैसा का जो है सो 30,000 बोला था, हम बोले कितना नहीं देंगे तो 27 पे तय किया था। उसके बाद मेरा ऑपरेशन होने के बाद हमको बच्चा नहीं दिखाया, ना मेरे गार्जियन से पूछा। और लास्ट में दो दिन के बाद जब हमको होश आया, हम अपना बच्चा का जब खोज किए तो कह रहा है कि बच्चा मरा हुआ था। तो मेरा कहना हुआ कि मरा हुआ ही है तो हमको मरा हुआ ही दिखाते आप। तो बोला ज़्यादा अगर जहाँ पे बकथती करेगी तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, फंसा देंगे, कहेंगे ये करने आई थी, वो करने आई थी, बहुत सारा बात कर रही थी। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं बोले। और एक आदमी को ले गए थे बोलने के लिए, तो वो जब बात किया तो बोला कि 10,000 रुपया जो है ना दे दीजिएगा, मोमेंट ख़त्म। तो हम उस पर भी मान गए। लेकिन कल क्या हुआ, 10 दिन मतलब घेर के रखा दवाई, इसमें मेरा नहीं चला रहा था। कल क्या हुआ, 5,000 उसको फिर हम पेमेंट किए, टोटल 15-16,000 रुपया टान लिया हुआ। पुर्जा नहीं दिया आने के वक्त में हमको, जिसके वजह से हमको परेशानी हुआ। तो अस्पताल में तो हम भर्ती हैं कंधे से रातें से, और उसको आज भेजे हम अपने हस्बैंड को कि जाइए रिपोर्ट लेके आइए। तो डायरेक्ट बोला जो करना है करो, पैसा दोगे रिपोर्ट मिलेगा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। सब डॉक्टर जानता है कि टका कटने के बाद क्या दवाई चलता नहीं चलता, इतना बात बोल के वहाँ से हटा दिया गया। बस इतना ही बात है, ठीक है। मेरा कहना जो खर्चा हुआ हुआ, हम पैसा देंगे उसको इसी शर्त पे, मेरा बच्चा दे देंगे हम उसको पैसा, फुल पेमेंट करेंगे चाहे जहाँ से। वही संबंध में सिविल सर्जन मधेपुरा ने भी जानकारी के बाद कार्रवाई करने की बात कही। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। अभी कुछ देर पहले उससे पीड़ित महिला से आवेदन प्राप्त हुआ है। वो महिला फिर वहाँ से आके हमारे यहाँ ही भर्ती है। हमने उपाधीक्षक को आदेश कर दिया है कि विस्तृत जांच करके रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।